सो गाइस, आप लोगों ने मेरी रियल लाइफ स्टोरी की पार्ट वन में देखा था कि मैंने अपनी क्रश को किस तरीके से इम्प्रेस किया एंड उसे बातें करने के चक्कर में मैंने मम्मी से झगड़ा करके नया फोन कैसे लिया और उसी फोन के चलते मुझे स्कूल में टीचर ने कैसे पकड़ा। फिर जैसे ही मुझे टीचर ने पकड़ा तो उन्होंने ये बात हेडमास्टर को बताई, जो उस टाइम पे हमारे स्कूल पे नए हेडमास्टर बने थे एंड वो बहुत ही शांत किस्म के आदमी थे। मतलब बच्चों से एक लीटर तेल घस के ही बातें करते थे, मानो उनकी जुबान में पहले से ही तेल लगी हो। लेकिन हम तो बच्चे थे, जो भी अच्छे से बातें करता था उसी को भगवान मानने लगते थे। तो कंप्यूटर सिखाने वाले टीचर ने मेरा फोन पकड़ के उन्हीं को दिया। फिर वो मुझे पूछने लगे कि तूने स्कूल पे फोन क्यों लाया। तब मैंने उनको ये कहते हुए झूठ कह दिया कि सर, मैं इस फोन को ट्यूशन पे लेके गया था, लेकिन स्कूल आते वक्त से अपना बैग से निकालना भूल गया। तब वो समझ गए कि मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ बोल के। फिर उन्होंने कहा, अभी तुम लोगों का क्लास चल रहा है, जाओ जाके क्लास करो, जैसे ही छुट्टी होगी तो फिर से यहीं पे आना। तब मुझे लग रहा था शायद वो सर मुझे छुट्टी पे अपना फोन दे ही देंगे, लेकिन मुझे ये भी डर था कि कहीं वो सर मेरा फोन चेक करने ना लग जाए, क्योंकि फोन में पहले ही अतरंगी सतरंगी वीडियो देखा था, तो अंदर ही अंदर पूरा डर था। फिर मैं एकदम डर डर के अपने क्लासरूम पे आया तो हमारी संस्कृत मैम आ गई और कहने लगी, आ जाओ संस्कृत के बच्चों, कंप्यूटर हॉल पे क्लास करना है। तब हम जितने भी बंदे और बंदी थे सबके सब कंप्यूटर हॉल पे क्लास करने चले गए। तो मेरा दोस्त मुझे डर दिखाने लगा कि सोनू, अब तो तू गया, तेरा फोन अब कंप्यूटर सिखाने वाले टीचर चेक कर रहे हैं और वो बहुत ही खतरनाक है, अब उनको पता चल ही जाएगा कि तूने थोड़ी देर पहले क्या क्या देखा था। फिर तो भैया मेरे पूरे शरीर ही एकदम डर के मारे कांपने लगी और मैं मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, एक बार फोन दिला दे, आगे से कभी नहीं लाऊंगा। ओ गॉड, एक बार दिला दे। मतलब तब मैं पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से मेरा दोस्त मुझे और ज्यादा डर दिखाने लगा। तो भैया मेरे तो डर के मारे पूरा हाथ पैर ही सब कुछ कांपने लगे, लेकिन फिर भी मैं रूम में आने के बाद एकदम खुद को रंगी चंगी दिखाने लगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड जो थी, एंड मैं थोड़ी ना गर्लफ्रेंड के सामने खुद की बेइज्जती खुद ही करूंगा। भले ही पूरा क्लास को पता चल चुका था कि सोनू का फोन टीचर ने पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं अंदर ही अंदर पूरा डरा हुआ और बाहर फुल एटीट्यूड पे था। एंड फिर ऐसे ही करते करते हमारी छुट्टी हो गई, तो मैं फोन लेने फिर से ऑफिस रूम पे गया एंड उस हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करने लगा कि सर प्लीज मेरा फोन दे दो, मैं आगे से कभी नहीं लाऊंगा, गलती हो गई। अब वो हेडमास्टर कहने लगा, बेटा मैं तुझे ऐसे तो फोन नहीं दे सकता, तुझे तेरे पेरेंट्स को बुलाना होगा, तभी तुझे ये फोन मिलेगा। तब मैं एकदम से डर गया, क्योंकि भाई मैंने अपनी मम्मी से छुपा के फोन लाया था, अगर मम्मी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे कुत्ते की तरह मारेगी। फिर मैं वहीं पे रोने लगा और रो रो के कहने लगा कि सर प्लीज दे दो मुझे मेरा फोन, आज से ऐसा नहीं करूंगा, अगर मेरी मम्मी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे मार डालेगी, दे दो सर। तब वो कंप्यूटर सिखाने वाला टीचर मुझे रोते देख के हेडमास्टर को कहता है कि सर दे दो बेचारे को। और तब मुझे थोड़ा आस लगने लगा कि अब तो मुझे फोन मिल ही जाएगा, लेकिन साला हेडमास्टर मुझे फोन देने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था, मानो वो मुझे अपना ही दामाद बनाएगा, ऐसा ज्ञान फैल रहा था। अच्छा हाँ। फिर मैं हर कोशिश करने लगा कि किसी भी तरह मुझे मेरा फोन मिल जाए, क्योंकि अंदर ही अंदर मम्मी का डर बहुत सता रहा था, लेकिन फिर भी हेडमास्टर मुझे मेरा फोन देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो मैं और ज्यादा रोने लगा और आखिर में मुझे रोते देख उन्होंने मुझे मेरा फोन दे ही दिया। तब टीचर लोग भी मुझे रोते हुए देख के हंसने लगे, यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड की सहेलियों ने भी मुझे रोते हुए देख लिया था। और उन लोगों ने जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड को ये बात बताई तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे आने का वेट करने लगी। मतलब भाई गजब बेइज्जती हो गया। फिर मैं स्कूल से निकल के एकदम स्पीड में अपना घर जाने लगा, तो आधी रास्ते पे ही मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही थी। फिर जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा तो वो मुझे पूछने लगी कि तू क्यों रो रहा था। फिर तो भैया मेरे तो एकदम से शर्म के मारे हल लग गए एंड मैं उसे कहने लगा, अरे कुछ नहीं यार, वो तो मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा था सर से फोन लेने के लिए। तब वो कहती है, अच्छा एक्टिंग कर लेते हो। फिर हम दोनों ही एकदम मजे में बातें करते हुए अपना अपना घर जाने लगे एंड वो जैसे अपना घर पहुंची तो मुझे अंदर ही अंदर फिर से बहुत डर लगने लगा और मैं मनी मन सोचने लगा, साला आज तो जैसे तैसे बच गया, अब क्या होगा अगर मम्मी को पता चल गई तो। क्योंकि तब हमारी मम्मी बहुत खतरनाक थी, जो हमको इतना मारती थी कि मानो हम इंसान नहीं गधे है। लिटरली भाई हम दोनों भाइयों ने बचपन में मम्मी के हाथों से बहुत मार खाया है, लेकिन पापा ने मेरे भैया को आज तक एक झापड़ तक नहीं लगाया है। बस मुझे पापा ने एक बार मारा है और कभी भी नहीं मारा है, यहाँ तक कि कभी डांटा भी नहीं है। लेकिन मम्मी अकेले ही पापा के बराबर थी, तो मुझे मम्मी से बहुत ज्यादा डर लगता था और उस दिन भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं मम्मी को ये बात पता ना चल गई हो। फिर मैं अपना घर गया और सबसे पहले अपना फोन बैग से निकाल के बिस्तर के नीचे रख दिया। फिर मम्मी ने मुझे खाना खाने को दिया और मम्मी मुझे पूछने लगे कि तूने आज फोन कहाँ पे रखा था, कहीं तू स्कूल तो लेके नहीं गया था, आज तेरा फोन नहीं देख रही हूँ मैं। फिर मैंने कहा, नहीं मम्मी, फोन मैंने बिस्तर के नीचे रखा था, वो देखो ना वहीं पे फोन। तब मम्मी ने जैसे ही बिस्तर उठा के देखा तो उनको फोन मिल गया। फिर उसके करीब 15 दिन बाद हमारे स्कूल
स्कूल पे एक फंक्शन होने वाला हुआ। तब हमारे गांव के जितने भी बंदे थे सब लोग वहाँ पे जाने के लिए रेडी हुए और मैं भी रेडी हो गया। एंड उस दिन मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं आज अपना फोन लेके जा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे स्कूल पे फंक्शन है, तो सब लोग अपना अपना फोन लेके आएंगे और मैं भी लेके जा रहा हूँ। तब मम्मी ने भी मुझे अपना फोन लेके जाने दिया और मैं अपना फोन लेके स्कूल चल पड़ा और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सी हो रही थी। और उस दिन सभी लोगों ने अपना अपना मम्मी पापा का फोन स्कूल पे लाया था और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी अपना पापा का फोन लाया था। फिर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक साथ बैठ के गाना सुनने लगे और ऐसे ही बहुत कुछ देखने लगे। तब हमारे साइंस का टीचर मेरे सामने आते और मुझे कहते, सोनू तूने भी फोन लाया है, दिखा जरा तेरा फोन। तब मैंने भी एकदम डरते हुए अपना फोन उनको दिखाया। फिर वो कहने लगे, जरा इधर आना। और मैं और सर 9 क्लास के रूम में चले गए। तब वो मुझे कहने लगे, तू भी देखता है क्या? फिर मैंने कहा, क्या सर? मतलब मुझे पता था वो फोन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली टाइप के थे, लेकिन फिर भी मैं अनजान बन के कहने लगा कि किस चीज की बात कर रहे हो सर? तब वो कहते, ज्यादा साड़ा मत बन। फिर वो मेरा क्रोम स्टोरी चेक करने लगे। तो उस दिन हम लोगों ने स्कूल में जो जो देखा था सब कुछ स्टोरी सेव होके रखा था। तो जैसे उन्होंने देखा तो वो मुझे कहने लगे, ये सब क्या है? फिर मैंने कहा, क्या सर? मुझे पता नहीं। और तब उन्होंने मुझे डायरेक्ट वीडियो दिखाया और कहने लगे, ये सब क्या है? फिर तो भैया मेरे तो एकदम से हल लग गए। मतलब भाई लिटरली स्टूडेंट के सामने अगर टीचर ही ऐसी हरकत करके पूछने लगे तो वो क्या जवाब देगा? तब मेरा हाल ना मैं एक कहूँ ना मैं दो कहूँ ऐसा हो गया और वो मुझे कई देर तक घूर के देखने लगे। तो मैं एकदम से डर गया। फिर उन्होंने मुझे कहा, ये सब मत देखना, अच्छी बात नहीं है। तब मैंने कहा, नहीं सर मैंने नहीं देखा था, मेरे दोस्तों ने डाटा भरा के देखा था। लेकिन वो थोड़ी ना मेरी बातों पे विश्वास करने वाले, बट फिर भी उन्होंने मुझे मेरा फोन दे दिया। और उस दिन मैं एकदम खुशी खुशी में अपना फोन चलाने लगा और अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा। लेकिन दूसरे ही दिन मुझे मेरी मम्मी कहने लगी कि तुझे मैंने और एक जगह पे ट्यूशन बोल दिया है, तू कल से ही 4 बजे उठ के ट्यूशन पढ़ने जाएगा। फिर मुझे ये सुनकर काफी गुस्सा आया और मैं मम्मी को कहने लगा, नहीं जाऊंगा मैं ट्यूशन, सुबह भी ट्यूशन शाम भी ट्यूशन, मरना है क्या? और तब आई मम्मी को गुस्सा और उन्होंने जैसे एक डंडा पकड़ा तो मैं जाऊंगा जाऊंगा कहने लगा। और फिर दूसरे ही दिन सुबह उठ के मैं ट्यूशन जाने लगा। पहले दिन तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हुआ और फिर धीरे धीरे वहाँ पे भी दोस्त बनते गए तो मजा आने लगा। लेकिन मैं सुबह सुबह उठ ही नहीं पाता था तो हर रोज मम्मी का मार खाना पड़ता था। एंड एक दिन जैसे ही मैं रात को मिनी मिल्टा गेम खेल के सोया था तो मम्मी ने मुझे सुबह सुबह बहुत मारा और मेरा फोन ही फोड़ दिया। मतलब भाई हमारी मम्मी का इतना गुस्सा था कि उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे फोन को भी जमीन में पटक के एक डंडा से मार मार के फोड़ दिया। तब मैं पूरा रोने लगा और मम्मी को कहने लगा कि मम्मी मुझे फोन दे दे, जैसे भी करके मुझे फोन चाहिए। लेकिन फोन देने के सिवाय मम्मी मुझे मार देने लगी। तो मैं दूसरे दिन से जब भी मैं ट्यूशन जाता था तो आधी रस्ते पे ही पहुंच के किसी पेड़ पे चढ़ के आराम से सिगरेट उड़ा के बैठता था। भाई सच कह रहा हूँ यार, सुबह सुबह खाली पेट पे सिगरेट पीता था तो सोचो मेरे अंदर क्या हुआ होगा। मतलब हर किसी का एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे वो बंदा पूरा बिगड़ जाता है, तो इसी तरह मैं भी पूरा बिगड़ गया था। और फिर कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। जब मेरे पॉकेट में पैसा होता था तो मैं उसी पेड़ में चढ़ के सिगरेट पीता था और जब पैसा नहीं होता था तो मैं ट्यूशन जाया करता था। फिर कुछ दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पूछती है कि तेरे पास एक फोन था ना, वो क्या हुआ? तब मैंने कहा, वो बिगड़ गया, अब कुछ दिन बाद फिर से एक नया फोन ले रहा हूँ, लेकिन जब पॉकेट में पैसा होगा तभी तो लूंगा ना। बट फिर भी गर्लफ्रेंड का आगे हीरो बनने के चक्कर में मैंने ऐसे ही झूठ कह दिया। जिंदगी में चाहे जितना भी दुख दर्द पीड़ा हो लेकिन गर्लफ्रेंड के आगे हमेशा हीरो ही बनना है। भाई वो दिन भी क्या दिन थे यार, मतलब अब भी मैं खुद सोच के हंसता हूँ। और अब आती है किस वाली सीन, जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को स्कूल में किस कर दिया तो टीचर को पता चल गया, जिसको हम लोग जानेंगे पार्ट 3 में। सो अगर आप लोगों को पार्ट 3 चाहिए तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 3 लिखना शुरू कर दो। एंड मैंने आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को पहले ही नहीं कहा है, तो कुछ इस टाइप से कर देना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। बुरा लगता है भाई, यूट्यूब पे 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और इंस्टाग्राम पे 2K भी नहीं। तो मेरे भाई याद से फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना रहा भाई।